एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं कोई मेकअप वीडियो या फिर कोई हॉल वीडियो शूट करने जा रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग, फॉर न्यू वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर न्यू वीडियो सो गाइस। और हाँ गाइस, ये मेरा एक मेकअप लुक है जो कि मैंने राखी मेकअप लुक एक क्रिएट किया है। और आई डोंट नो ये इस वीडियो से पहले जाएगा मेकअप लुक या फिर इस वीडियो के बाद। आई थिंक इस वीडियो से पहले जा चुका होगा। तो अगर आपने नहीं देखा होगा मेरा ये मेकअप लुक, तो प्लीज़ मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और बहुत ही ईजी वे में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो गाइज़ ये मेरा एक मेकअप प्रोडक्ट हॉल वीडियो होने वाला है जो कि मैंने परचेज किए थे पर्पल से। ये पर्पल हॉल वीडियो है जो कि मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस, जो सबसे मुझे रीजनेबल प्राइस के मेकअप थे वो मुझे एक्चुअली मुझे एक मेकअप लुक भी क्रिएट करना था, वन ब्रांड मेकअप लुक भी क्रिएट करना था। तो उसके लिए मैंने कुछ पर्पल से जब सेल चल रही थी तो मैंने परचेजिंग की थी। तो मैं सो गाइज़ चलिए बिना देर किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्राइमर से स्टार्ट करूँगी। तो ये है NYWAY ब्रांड का प्राइमर जो कि स्मॉल साइज़ का प्राइमर है, छोटू मिनी साइज़ का है। और सबका प्राइस मैं यहाँ मेंशन करती जाऊँगी। गिव इंस्टेंट ग्लो, ये इस प्राइमर को लगाने से आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा, ऐसा ये क्लेम करता है, इसमें लिखा हुआ है। और बहुत अच्छे से आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करेगा, आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग रखेगा। तो गाइस, ये है मेरा NYWAY का प्राइमर जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो ये मेरा फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट है। और सेकेंड है गाइस, इसमें कोई फाउंडेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने ये स्टिक ली है, NYWAY की फाउंडेशन स्टिक, जो कि फाउंडेशन भी है, कंसीलर भी है, कंटूर भी है, कलर करेक्टर स्टिक भी है। तो इससे सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी स्किन टोन पे डिपेंड करता है कि आप इस पर क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको एज अ फाउंडेशन का कलर चूज़ करके मंगवाया था, तो ये एक फाउंडेशन स्टिक है। सो गाइज, इसमें ये क्लेम करता है कि आपको बहुत ही परफेक्ट बेस देगा, बहुत ही अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड करेगा, लाइट वेट फार्मूला है, ऐसा ये बोल रहा है, इसमें क्लेम किया हुआ है। लाइट लॉन्ग बियर है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, और ब्लेंड लाइक अ ड्रीम, ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और मल्टी यूनिटी तो है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन की तरह, कंसीलर की तरह, कंटूर की तरह, कलर करेक्टरिस्टिक की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कितना वर्क करता है। फिलहाल मैं इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसकी स्टिक कैसी है। तो देखिए, इस तरीके की स्टिक इसकी स्टिक है, और ये देखिए, ये इस तरह का इसकी स्टिक प्रोडक्ट है। आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये है कलर, आई थिंक मेरे स्किन से मैच करेगा कि नहीं, ये ब्लेंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसको आपको ब्लेंड करके भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है और मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, कितने अच्छे से ब्लेंड होता है ये पता चल जाएगा। सो गाइज, ये अच्छे से ब्लेंड तो हो गया है, नॉट बैड। और सी, अच्छे से ब्लेंड हो गया है। यस गाइस, तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बाकी जो मेन रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। सो गाइस, ये था मेरा सेकेंड फाउंडेशन स्टिक प्राइमर। के बाद हमें करना है बेस को सेट। बेस को सेट करने के लिए मैंने मंगवाया ये NYWAY का ब्रॉडवे बॉम्ब फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट क्रीम टू पाउडर। ये है जो कि अंदर से सबकी प्राइस मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन करती जाऊँगी, जो कि अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये है, और ये भी क्लेम करता है लाइट वेट फार्मूला है, और इस तरीके का इसमें अंदर इस तरीके का ये स्पंज दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे एक शीट दी हुई जो कि मुझसे निकल नहीं रही थी। तो ये है गाइस कॉम्पैक्ट, ये देखिए सी, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। आप इसको इससे अपने मेकअप को बेस को सेट भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा थर्ड NYWAY का प्रोडक्ट। सो गाइज, नेक्स्ट मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ज़रूरत होगी कंसीलर की, तो उसके लिए मैंने ये कंसीलर भी मंगवाया है, जबकि फाउंडेशन में क्लेम है कि वो कंसीलर का भी काम करेगा, बट ये मैंने कंसीलर भी मंगवाया है। सो गाइज, ये है मेरे पास NYWAY का कंसीलर। मैंने कंसीलर भी सेपरेटली मंगवा लिया था, और ये मेरी सेकेंड परचेजिंग है क्योंकि काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा कंसीलर। ये देखिए, खाली है मेरा कंसीलर ये वाला NYWAY का, और सेम ये मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। तो गाइस, ये मेरा कंसीलर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। ये मंगवाया है NYWAY का द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल। ये है कोल काजल, और इनर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये इसका काजल है, और ये इसकी टिप है, काफ़ी अच्छी टिप है। और ये देखिए, ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छा वाला ब्लैक कलर का काजल है, और काफ़ी अच्छा इसमें चल रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज से प्रेस कर दिया है, बट काफ़ी अच्छा है, कोल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा नेक्स्ट हो गया काजल। नेक्स्ट है मेरे पास आई के लिए ये एब्रो पेंसिल, NYWAY की एब्रो पेंसिल, जो कि मैंने ब्राउन कलर में मंगवाई थी। तो ये एब्रो पेंसिल है। तो मैंने ये ब्लैक कलर का सिंपल सा एक लाइनर भी मंगवाया है। तो ये हो गया लाइनर, और पहले से मेरे पास एक ग्रीन कलर का NYWAY का लाइनर है जो कि काफ़ी अच्छा वाला लाइनर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। तो ये भी मैं अपने मेकअप लुक में यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइस, ये है
नेक्स्ट मेरे पास ये छोटे से मैंने आई शेडो मंगवाए थे, क्योंकि मुझे कोई बड़ा आई शेडो पैलेट मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जा रही थी, तो मैंने सेपरेटली दो ये आई शेडो मंगवाए हैं छोटे से, जो कि काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिले हैं। ये ब्राउन है और ये ब्लैक शेड है, और मेरे पास इसमें इसका जो है मेरे पास पहले से भी दो कलर है मेरे पास, मैं उसको भी आपको दिखा देती हूँ। रखे थे ये मैंने पहले ही मंगवाए थे, ये ब्लू है ये पीच है, तो ये फोर आई शेडो है मेरे पास, ये फोर आई शेडो हो गया मेरे पास एन वाई बे के। इनका यूज़ मैं नेक्स्ट मेकअप लुक में ज़रूर करूँगी, जो कि मेरा एन वाई बे का मेकअप लुक होने वाला है। तो गाइस ये मेरे पास फोर आई शेडो है हो गया। नेक्स्ट है गाइस मेरे पास ये एन वाई बे का लिक्विड लिपस्टिक, जो कि जिसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ये है, और इसका शेड है स्नो फ्लेक। स्नो स्मेल बहुत अच्छी है, लाइक बटरी बटरी सी है, और ये देखिए इसका कलर है, ये कलर बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये इसका कलर जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर वाला शेड मैंने मंगवाया है, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये शेड, ये देखिए। और मैंने सेम कलर की लाइनर भी, लिप लाइनर भी मंगवाया है, ये एन वाई बे का ही लाइनर है, मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने लाइनर भी मंगवाया है, लिप लाइनर, तो अगेन आई थिंक ये भी सेम शेड का ही है। देखिए ये है लिप लाइनर, जो कि दोनों ही सेम शेड के हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। सो गाइज ये तो मेरा वन ब्रांड मेकअप किट हो गया, और इसके साथ ही मैंने कुछ और अदर ब्रांड भी मंगवाया था, जो कि मुझे काफ़ी रिजनेबल लग रहा था, जो कि है बायोटिक का नेचुरल मेकअप ऑल डे फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए। ये मैंने फाउंडेशन मंगवाया है, जो कि मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में यूज़ भी किया है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। प्राइस मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। इस तरीके की आउटर पैकेजिंग है और इस तरीके की इसकी इनर पैकेजिंग है गाइस, आप देख सकते हैं। ये ट्यूब फॉर्म में आता है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये फाउंडेशन है बायोटिक का, बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है। और ये आप मेरे मेकअप लुक वीडियो में, इस मेकअप लुक में देख लोगे इसका क्या है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है मेरे पास बायोटिक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसका भी प्राइस काफ़ी कम रेंज में है। ये दोनों ही चीज़ें मुझे 200 रुपीज़ में मिल रही थी, यानी कि 100 रुपीज़ में फाउंडेशन, 100 रुपीज़ में ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि ऑफर था। वैसे इसकी कॉस्ट है 140 रुपीज़ और 145 रुपीज़ बस, बट ये दोनों साथ में मुझे सेल में 100 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में ये दोनों ही चीज़ें मुझे मिल गई थी। और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, काफ़ी ब्यूटीफुल इसकी पैकेजिंग है, ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल इसकी पैकेजिंग है। और इस तरीके का टब है, ये देखिए। सो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मेरे पास है बायोटिक की लिपस्टिक, जो कि मैंने मेकअप लुक के लिए ही मंगवाई है। ये है बायोटिक की लिपस्टिक, इसका इसकी कॉस्ट है 125 रुपीज़, और ये भी मुझे आई थिंक 100। गाइस मेरा जो लास्ट मेकअप, जो मेरा लास्ट आइटम है वो है पर्पल का ये लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, जो कि मैंने मंगाया था। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग, बहुत ही मिनी साइज़ की लिपस्टिक है, और इसका प्राइस है 225 रुपीज़। ये मुझे सेल में कम रेट में मिल गया था, आई थिंक हाफ रेट में। तो इस तरीके से मिनी लिपस्टिक है, ये देखिए इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत डार्क ब्राउन कलर का है ये लिपस्टिक, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये भी आई थिंक मैट लिपस्टिक है, आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। बहुत ही डार्क कलर है मैंने मंगवाया था, क्योंकि इस समय मेरा डार्क कलर लगाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैं डार्क डार्क कलर मंगवा ली हूँ इस बार। और ये कुछ चॉकलेट ब्राउन कलर की लिपस्टिक है आई थिंक, बस ये देखिए इसका कलर है, बट ये समझ में नहीं आ रही कैसे लिपस्टिक है। देखिए ये तो जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ, दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, तो ये हट जा रही है, अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है, आई थिंक जो पैसे बर्बाद हो गए लग रहा है। तो गाइज अब ये लिपस्टिक लगाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये इसका कलर कुछ ऐसा कॉफी डार्क ब्राउन सा कलर है। गाइज ये था मेरा पर्पल हॉल, आई होप आपको मेरा ये हॉल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूँगी, कोशिश करूँगी डालने की। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको लेना हो तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एन वाई बे पर एक मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। और सो गाइज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी लहंगे पर मेकअप लुक करने के लिए, तो मैं बहुत जल्द मेकअप लुक लहंगे पर लेकर आऊँगी डेफिनेटली। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा सा, अभी मैं अपने सिटी में नहीं हूँ, मेरे जो लहंगे थे वो वहीं पर है, मैं लहंगा लेकर नहीं है, अभी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्द से परचेज़ करूँगी। और तो डेफिनेटली मैं लहंगे का अरेंज करके मैं लहंगे पर भी एक वीडियो डालूंगी, मेकअप लुक डालूंगी डेफिनेटली। सो बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।